भागलपुर शहर के बीचों बीच खंजरपुर के पास भवानी कन्या मध्य विद्यालय अवस्थित है, जिसमें सैकड़ों बच्चे बच्चियां पढ़ाई करते हैं। वहां उन्हें मिड डे मील का खाना दिया जाता है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे, अगर आपके बच्चे को यह खाना दे दिया जाए तो शायद यह भोजन आप अपने बच्चे को कभी खिला पाएंगे। आए दिन मिड डे मील के खाने में भवानी कन्या मध्य विद्यालय के बच्चे को कीड़े वाले खाना दिया जाता है। वही बच्चे जब प्राचार्य, मिड डे मील के प्रभारी या शिक्षक से कहने जाते हैं तो उन्हें कड़े शब्दों में डांट कर शांत कर दिया जाता है। बच्चों ने जब अभिभावक को यह बात बताई तो अभिभावक दर्जनों की संख्या में स्कूल पहुंच गए और घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। अभिभावकों का कहना था कि मेरे बच्चे प्रत्येक दिन मिड डे मील की शिकायत करते हैं, खाने में कीड़ा निकल रहा है, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी बच्चे को जबरन अभिभावकों को बताने से मना करते हैं, यह कहाँ तक सही है। वही हंगामे के बाद प्रचार ने इसे जल्द से जल्द सुधारने की बात कही। एक पदाधिकारी आए थे, वो बोल के गए थे तो कल कीड़ा निकला था साथ खाना में, वही स्कूल में हल्ला हुआ, तो वो बोल के गए थे कि हम लोग की क्लास में आए थे तो बोले कि जो भी खाना मैंने खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। सर हमारे दो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। किस स्कूल में? इसी भवानी राव राघवानी कन्या मध्य विद्यालय, ये स्कूल में पढ़ते हैं सर। मैं कहाँ है ये सर? छोटे खंजर को एसएम पंच बोर्ड पढ़ता है। ठीक है, हमारे सर दो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। हम जब काम करके जब घर आए हैं तो बच्चे बोले पापा खाना में निकला क्या निकला है, तो सर हम उसमें एक्चम नहीं लिए। फिर कल रात में सर यही बात बोला बच्चा फिर से कि सर खाना निकला किला। जब यहाँ पे आए सर तो मुझे चला पता, जब मैं सबसे बात की टीचर से बात की है, वो बोला कि हाँ निकला तो है लेकिन हमको बोलने के लिए मना किया, हम नहीं बोल सकते ये बात। लेकिन खाना रेगुलर अच्छे से बनता भी नहीं है, चावल जो बनता है सही से धोया नहीं जाता, महकता है, बच्चे इसलिए खाना नहीं खाता स्कूल में, रोज दोपहर को खाना खाने के लिए घर चल जाता है। बच्चों द्वारा बताया गया कि बच्चे को खाना में कीड़ा मिला है, तो लोग आए देखे। आज का खाना सभी गार्जियन के बीच में भी अभिभावक ने खुद से देखा, कोई कीड़ा नहीं मिला है, बता रहे हैं कि पहले मिला है लेकिन आज का खाना में कोई कीड़ा वगैरह नहीं मिला। प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को बिना ब्याज का 10,000 रुपया ऋण मिलेगा। बकायदा ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके लिए कवायद शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से आसपास के स्ट्रीट वेंडरों को ब्याज मुक्त कर्ज देने के लिए भागलपुर के हबीबपुर में अवस्थित साई मंदिर परिसर में साई बाबा के वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में ऋण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 50 की संख्या में आए महिला और पुरुष वेंडरों ने ब्याज मुक्त ऋण के लिए आवेदन दिया। इस दौरान बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वीसी सत्यदेव कुमार ने बताया कि लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और अपने छोटे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए फिलहाल 10,000 रुपया का ब्याज मुक्त ऋण कर्ज मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस रकम को तय समय में चुकाने के बाद पुनः इससे अधिक राशि का ऋण लेने के लिए वह पात्र हो सकेंगे। वहीं भाजपा नेता मनीष यादव ने बताया कि सब्जी बेचने वाली गरीब महिला, ठेला पर सामान बेचने वाले छोटे वेंडर और कई मजदूर महिलाओं और पुरुषों ने से अपने व्यापार को बढ़ाने और कई लोगों ने स्वरोजगार करने के लिए बैंक से ऋण उपलब्ध कराने के लिए उनसे संपर्क किया था, जिसके बाद उन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बड़े अधिकारियों से संपर्क कर यहां ऋण शिविर का आयोजन करवाया। इससे पहले पिछले 3 दिनों से मंदिर परिसर में ही आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर का आयोजन हुआ था। वहीं इसके साथ ही उन्होंने आगामी 28, 29 और 30 जुलाई को साईं मंदिर परिसर में होने वाले वार्षिक महोत्सव में शामिल होने के लिए साईं भक्तों से अपील भी। जी, ये वेंडर लोन का कैंप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ साईं मंदिर में मेला के द्वारा, ये मनीष जी के द्वारा कैंप लगा हुआ है, जो कि गांव वालों को फ़ायदा होगा। के फ़ायदा ये है कि वेंडर लोन है, इसमें इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिल होता है, तो ये है कि कम इंटरेस्ट वगैरह नहीं होगा, साल भर में चुकाया जाता है। इसकी पात्रता क्या है, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं? ये जो है ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं या फुटपाथ पर लगाते हैं, उसी के लिए होते हैं। ग्रामीणों का बहुत दिन से ये रिक्वेस्ट हो रहा था कि सब्जी बेच रहे हैं, महाजन से पैसा लेना पड़ता है, इसलिए हम बैंक अधिकारी से ऊपर लेवल से बात करके आज हम इस कैंप को मेले में लगाए हैं कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके, और इसमें करीबन 50 लोगों का अकाउंट ऑनलाइन खुल चुका है अभी तक, और सैकड़ों लोगों का खुलने का संभावना है, जिसको वेंडर लोन के तहत 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति को बिना कोई खर्च का उपलब्ध हो रहा है। के तहत मोदी जी की योजना जो आयुष्मान कार्ड, मेडिकल कार्ड, गरीबों के बीच में जो गरीब इलाज के बिना जिनकी मृत्यु हो जाती है, उसके लिए 24 से 26 जुलाई
हमने शिविर लगवाया, उसमें सैकड़ों लोग लाभ उठाए, सैकड़ों लोगों का कार्ड बना। वो साईं बाबा मंदिर नपटोलिया जो हब्बीपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, इसमें 28-29 जुलाई को वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है साईं परिवार के द्वारा। सभी भक्तों से अनुरोध है कि मेले में आकर के मेले का आनंद उठाएं। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेंस एसोसिएशन का दूसरा जिला सम्मेलन आज जिला सचिव रेणु देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। यह भागलपुर जिला सम्मेलन न्याय और बराबरी के लिए संघर्ष तेज करो के नारे पर आधारित। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेंस एसोसिएशन की सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने मणिपुर में हुए आदिवासी जाति की महिलाओं पर अमानवीय तरीके से जो घटना घटित हुई है, उस पर उन लोगों ने केंद्र सरकार को कोसते हुए कहा कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार दोषियों को सजा दे, वरना जनता चुप नहीं बैठने वाली। जिस तरह से पूरे भारत वर्ष में यह जघन्य अपराध और घिनौना काम हो रहा है, मानव जाति इससे शर्मसार हो रहा है। वहीं भागलपुर में आयोजित ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेंस एसोसिएशन के दूसरे जिला सम्मेलन में एपवा की जिला सचिव रेणु देवी ने कहा कि महिला पर जो दुर्व्यवहार हुआ है उसे जनता कभी माफ नहीं करेगी। महिला सशक्तिकरण की बातें सिर्फ किताबों में ही धरी की धरी रह जाती है, उसे जमीनी स्तर पर केंद्र सरकार उतारने की कवायद में जुटे, वरना अच्छा नहीं होगा। इसके लिए अगर प्रदर्शन करना पड़ेगा तो एफवा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। गांव के दबंग मंचले युवकों द्वारा मसमात आंगनबाड़ी सहायिका के साथ छेड़खानी करते हुए लाठी डंडे से पिटाई कर घायल कर दिया। घायल आंगनबाड़ी सहायिका को स्थानीय लोगों की मदद से सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं डॉक्टर ने सहायिका की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। आंगनबाड़ी सहायिका का नाम सरिता देवी है, जो की आंगनबाड़ी केंद्र 59 पर कार्यरत है। वहीं घटना को लेकर पिता ने बताया कि तिलकपुर गांव के ही ललन कुमार उर्फ लालू, पुतुल कुमार उर्फ शिवम, रुपेश कुमार के द्वारा बार बार आते जाते और घर पर आकर मुझे तंग करता था, लेकिन आज जब मैं आंगनबाड़ी केंद्र जा रही थी तो उसने फिर से वही कार्य दोहराया। जब मैं इसका विरोध किया तो उन लोगों ने मुझ पर लाठी से प्रहार कर मुझे घायल कर दिया और आरोपी युवक गाँव से फरार हो गया। कौन लोग मारा है? क्या क्या नाम है? ललन कुमार, कहाँ घर हुआ? सड़क दुर्घटना में 70 वर्ष से वृद्ध त्रिवेणी मंडल जो साकुन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिसकी देर शाम अज्ञात वाहन से धक्का लगने के कारण वह घायल हो गए थे, PHC से बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेजा गया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मृतक की पुत्री कल्याणी देवी ने बताया कि रोज की तरह कल भी साइकिल से मेरे पिता राम मंदिर जा रहे थे, इसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वह घायल हो गए। इसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल लाया गया, जहाँ इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। क्या हुआ था? साइकिल से जा रहा था, राम मंदिर में रोज जाता था, इसलिए राम मंदिर में गया ना, तो इधर से अब क्या चीज से धक्का लगा था, साइकिल से जा रहा था, डेली जा रहा था, तो डेली में कुछ ना होता था। कल जगह गया था 7 बजे के लगभग में घटना हुआ।